आज मैं आपको कुछ नवांश कुंडली के सूत्र दूंगा कि नवांश कुंडली आप अपने हाथ पर कैसे बनाएंगे और नवांश कुंडली के अनुरूप आज जो ग्रह चल रहा है वो अच्छा फल देगा कि नहीं देगा। और नवांश कुंडली के हिसाब से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके पास धन की स्थिति कितनी हो सकती है, आपकी मैरिज लाइफ कैसी हो सकती है। आप दिखाई देते हैं बहुत पावरफुल आदमी हैं लेकिन पावरफुल होते नहीं है। आपके सुख साधन तो दिखाई देते हैं, सुख साधन होने चाहिए लेकिन सुख साधन होते नहीं है। लगता है कि मकान बहुत बड़ा होगा लेकिन मकान होता नहीं है, क्यों? ऐसे तो लगता है चौथे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, आलीशान मकान होगा लेकिन मकान ही नहीं बना पाता व्यक्ति। और लाल किताब कहती है कि भाई शनि अगर बैठा है तो 48 साल से पहले ना बनाओ। तो कितने लोग ऐसे हैं जो 20-22 साल में बना के बैठे हुए हैं फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ज्योतिष में बहुत गहराई की जरूरत है। नवांश कुंडली जो है वैसे तो 16 की 16 कुंडली है, धीरे धीरे हर सम्मेलन में श्रृंखला में मैंने बताना शुरू किया है लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि अभी अभी दो ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया, एक सूर्य ने राशि परिवर्तन किया, सूर्य स्वराशि में गया हुआ है सिंह राशि में। तो लोग यही प्रेडिक्शन करेंगे कि स्वराशि के अंदर है बहुत अच्छा फल करेगा और पूरे 30 दिन रहेगा स्वराशि के अंदर। तो क्या पूरे 30 दिन ही अच्छा फल करेगा? और अगर अच्छा करेगा तो कौन कौन सी डेटों में करेगा और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा और क्या तकलीफ आपको हो सकती है, क्या आप वो डेट निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकालें? तो मैं आज इस पे आपको कुछ सूत्र देने वाला हूं, वो सूत्र आपके जीवन में बहुत काम आएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। नवांश कुंडली जो होती है मैन कुंडली के 9 हिस्से होते हैं, यानी अंदर भी हमारे अंदर 9 हिस्से हैं। जैसे यहां से लेके यहां तक, अभी सूर्य यहां से लेके यहां तक सिंह राशि के अंदर है और ये पूरे 30 दिन चलेगा। इन पूरे 30 दिनों के अंदर इसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी? और नवांश कुंडली के अंदर एक सूत्र है उसको ध्यान रखिएगा। अगर चर राशियां हैं 1, 4, 7 और 10, चर राशियों में नवांश जो होता है किसी भी लगन का उसी राशि से शुरू होता है। अगर आपकी मेष लगन है, नवांश कुंडली भी आपकी मेष लगन से शुरू हो जाएगी। अगर आपकी वृष लगन है, स्थिर राशियां वो अपने से 10वीं राशि से शुरू होंगी। अभी मान लो आपकी वृष लगन है तो नवांश कुंडली उससे 10वां, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। अगर किसी की वृष लगन होगी तो उसकी जो नवांश कुंडली है उस डिग्री के लिए वो मकर से शुरुआत होगी। और अगर दुष्भाव है तो अपने से 5वीं। अभी देखिए कि सूर्य ने राशि परिवर्तन किया अभी 17 तारीख को, 17 से 18, 24 घंटे 19 और 20, अभी 1:30 तक, यानी तीसरा दिन उसको हो जाएगा, 30 दिन चलेगा। 30 दिन को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, 30 दिन को 9 से डिवाइड करिए, 9 × 27 3 दिन, यानी 3 दिन तो आ गए। अब आपके पास 20 दिन और, जो 3 दिन और बचे, 3 दिन के घंटे बना करके फिर 9 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपके पास में सूर्य की 9 नवांश कुंडलियों पर 30 दिन की चाल आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट 3.5 दिन। यानी यहां से शुरुआत उसने की तो 3.5 दिन तक सूर्य स्थिर राशि में है
स्थिर राशि में होने के कारण इसकी पहली जो नवांश बनेगी वो गिन लीजिए। स्थिर राशि है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, नौ नंबर हो गई। और सिंह राशि के अंदर सूर्य आया है तो यहां से ये दसवां स्थिर में दसवां हो गया। तो यहां से कहो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष, नौवा। इसका मतलब ये रहा कि आपका जो सूर्य है वो उच्च राशि में आ जाएगा। अब ये चलेगा साढ़े तीन दिन। सूर्य पहले 20 दिन मूल त्रिकोण में रहता है, पहले 20 दिन। इसका मतलब मूल त्रिकोण में भी उसका 80% अच्छा रिजल्ट रहेगा और पहले साढ़े तीन दिन वो नवांश कुंडली के अंदर उच्च अवस्था में रहेगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि 0 डिग्री पर होने के बाद 0, 1, 2, 3 डिग्री 20 कलाक तक सूर्य जो है सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति में रहेगा। इसका मतलब जो काम करना चाहते हो आप इन साढ़े तीन दिनों में कर लो। टेंडर लड़ना चाहते हो, शेयर बाजार में सेल परचेज करना चाहते हो, प्रॉपर्टी के अच्छे सेल लेना चाहते हो। अब ये 12 भावों पर देखना है आपको। अगर कोई पॉलिटिशियन है और लगने सूर्य है तो आप बोल सकते हो भाई मान सम्मान में प्रोग्रेस होगी। धन का स्वामी किसी का कर्क लगन और सेकंड का लॉर्ड सूर्य है तो वो पैसा आमदनी का सोर्स बना देगा बहुत जबरदस्त। कई पूछते हैं मेरा पैसा आने वाला है क्या, इस महीने में आएगा, और वो कर्क लगन वाला मिल जाता व्यक्ति तो सेकंड जो हाउस हो गया वहां पर सूर्य है और वो साढ़े तीन दिन तक जबरदस्त पोजिशन में रहने वाला है। अभी मान लो किसी का पराक्रम स्थान का स्वामी सूर्य हो जाए, चौथे भाव का स्वामी सूर्य हो जाए और चौथे भाव में सूर्य होने के बाद कोई पूछता मेरा मकान मिलेगा तो आप बोलो भाई ये साढ़े तीन दिन के अंदर तेरा सौदा होने का योग बन रहा है, इन साढ़े तीन दिनों में अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो पूरे महीने नहीं होगा। और फिर इसके बाद सेकंड चांस आपको मिलेगा। तो आप इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब साढ़े तीन तीन दिन आप बढ़ाते चले जाओ। अभी साढ़े तीन दिन सूर्य उच्च अवस्था में रहेगा क्योंकि मेष राशि में चलेगा नवांश में। साढ़े तीन दिन के बाद में वो वृष के नवांश में चला जाएगा, वृष राशि के नवांश में, और वृष राशि का स्वामी है शुक्र और शुक्र के साथ उसकी दुश्मनी है। इसका मतलब कोई ये पूछे कि मेरे पास पैसा आएगा, मेरा सूर्य तो धन भाव में और वो आपसे पूछता है 21, 22, 23 और 24.5। अगर इन तारीखों में कोई पूछे कि मेरे पास इन तीन दिनों में चार दिनों में कोई पैसा आने का योग बनता है क्या, और उस समय शुक्र कौन से नवांश में चला गया, दुश्मन के नवांश में चला गया, सॉरी सूर्य किसके नवांश में चला गया, शुक्र के नवांश में चला गया, तो चांसेस नहीं है। साढ़े तीन दिन बाद आगे बढ़ जाओ, 24, 25, 26, साढ़े 26 तक पहुंच जाओ। इसमें वो मिथुन के नवांश में चलेगा और मिथुन उसका क्या है, समय। आपने कोई पैसा आएगा क्या था, थोड़ा बहुत आएगा, कितना लेना है 1 लाख, 20-25 हजार दे देगा और इतना आपने बोला और इतना ही मिला, वो आपके चरण धो धो के पिएगा। बोले क्या बात है, 1 लाख रुपए में 20-25 हजार बोला था पंडित जी, में 20-25 हजार ही मिला मेरे को। तो अभी मान लो आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा और आगे, डेट आ गई आपकी 27, 28, 29, 30। इन डेटों में कर्क के नवांश में चला जाएगा, किस में जाएगा, चंद्रमा के नवांश में, चर राशि में चला जाएगा। चर राशि में सूर्य कोई बहुत ज्यादा अच्छा फल देता नहीं है, इसमें कर्क राशि के अंदर मन बेचैन और टेंशन रहेगी। अब आगे और बढ़ जाओ साढ़े तीन दिन,
या आप सिर्फ अपनी टिप्स पर बढ़ रहे हैं, सिर्फ टिप्स पर। कौन सा व्यक्ति 30 दिनों में आपके पास आया और क्या क्वेश्चन लेके बैठा और आपने उंगलियों पर हिसाब लगा रहे। पहले पुराने जमाने के पंडित जी लगाते थे ऐसे, ये काम होगा कि नहीं होगा बेटा, ऐसे ऐसे करके करके और बता देते थे। 31, 1, 2, 3 31 अगस्त, 1, 2, 3 सितंबर इस पीरियड में सूर्य सिंह राशि के अपने नवांश में रहेगा, वर्ग उत्तम। क्या रहेगा? वर्ग उत्तम हो जाएगा। अगर इन दिनों में कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, और सूर्य इस समय वर्ग उत्तम भी है और साथ में मूल त्रिकोण में भी है, मूल त्रिकोण 20 डिग्री तक रहता है, 17 से 20 के अंदर इतने दिन तक तो वो मूल त्रिकोण में रहेगा, और साथ में हो गया वर्गोत्तम। और फिर कोई व्यक्ति आपसे आकर के पूछता है कि मैं इस समय अपना एक मकान लेना चाहता हूं, गाड़ी लेना चाहता हूं, चतुर्थेश मेरा सूर्य है और सूर्य की दशा इस समय चल रही है, तो मैं गाड़ी इस महीने में कब ले सकता हूं? आप लिख दोगे 30, 31, 1, 2 सितंबर के बीच में आपके घर में गाड़ी आ जाएगी और आपका कहने के मकान का सौदा हो जाएगा। और जब ऐसे आप लिखोगे ना, तो दुनिया में क्या पूरे पंजाब में आपका नाम होगा कि भाई ज्योतिषी है, चले जाओ फलाने आदमी के पास में। ऐसे ज्योतिषी पुराने जमाने में होते थे, चटोरे नहीं होते थे वो। जब तक ज्योतिषी स्वाद पे कंट्रोल नहीं करेगा, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करेगा, जब तक ये दिव्य ज्ञान आपका ओपन नहीं हो सकता। और जब दिव्य ज्ञान आपका ओपन होगा, आप देखो नवांश कुंडली खोल रहे हो, ये चेक कर रहे हो, वो चेक कर रहे हो, फलाने चेक कर रहे हो, रट्टे मार रहे हो, फलाना नवांश दिखना बना, आपने टिप्स में आपको बता रहा हूं आप करो। अभी मान लो हम आगे चलते हैं, ये 3.5-3 दिन में क्यों जोड़ रहा हूं? क्यों? मैंने पहले कैलकुलेशन कर ली है और ये आगे दूसरे ग्रह की भी बताऊंगा कैसे करते हैं। अभी मान लो हम आगे चले गए 3, 4, 5, 6 इस बीच में सूर्य कन्या के नवांश में आ जाएगा। कन्या बुध का है, बुध के साथ उसका समता का व्यवहार है। इस पीरियड में बुध अपनी मूल त्रिकोण को छोड़ देगा और बुध 20 डिग्री सूर्य अपनी मूल त्रिकोण को छोड़ देगा, 20 डिग्री को क्रॉस करते ही उसकी जो डिग्री है बाकी की जो 10 बचेंगी उन 10 डिग्रियों में वो स्वराशि का फल देगा। क्या देगा? इसका मतलब उसकी कैटेगरी डाउन पे आ गई, जहां वो 80% 100% फल, मूल त्रिकोण में 80% कोई भी ग्रह फल देता, उच्च में 100% देता, स्वराशि में 60% फल देता है। अब वो 60 पे आ गया और फिर 7, 8, 9, 10 इसमें हो गया नीच। क्या हो गया? जो सूर्य आज की डेट में स्वराशि के अंदर है वो 7, 8, 9 और 10 के अंदर जाकर के वो नीच हो जाएगा नवांश कुंडली में। नवांश कुंडली में नीच होगा और जो मेन कुंडली है उसके अंदर वो मूल त्रिकोण से घटके आ जाएगा आपका स्वराशि में। कितना बल कमजोर हो गया उसका। और इस समय अगर आप कोई भी काम करेंगे उस समय सूर्य का बल, सूर्य की महादशा में आपका बहुत भयंकर नुकसान होने का योग बनेगा।